ऑल राइट गाइस, तो गाइस हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे एग्जाम पोर्टल और एग्जाम पोर्टल यूजिंग स्प्रिंग बूट एंड एंगुलर, एंड काफ़ी वीडियोस हम लोग कवर कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे ऐड क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। हम लोग क्या कर पा रहे थे, क्विज में जा करके एंड इस क्विज में क्वेश्चंस को आसानी से ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आपके पास सारे क्वेश्चन है, सपोज पाइथन क्विज है या सर्वेड क्विज है, यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन है, तो अगर हम चाहें किसी क्वेश्चन को डिलीट करना तो उसको कैसे डिलीट करना है, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। हालांकि मैं अपडेट नहीं कंप्लीट करने वाला हूँ, थोड़ा सा असाइनमेंट आप लोग भी करेगा, मैंने पिछले वीडियो में किया था, बट डिलीट वाला मैं कर दूंगा। एंड अपडेट बहुत आसान है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्विज को अपडेट किया था वैसा ही, जैसे क्विज थी एंड क्विज को हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट किया था एग्जैक्टली सेम, उसी तरह आप क्विज क्वेश्चन को भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको अपडेट करिएगा, हम डिलीट करके दिखा देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, हर एक क्वेश्चन के पास यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन दूंगा, हर एक क्वेश्चन के पास। तो ये जहाँ पे आपने क्वेश्चन बनाए हैं, लूप चलाया था, उसमें चले जाइए। तो आप व्यू क्वेश्चंस, इसको सबसे पहले सब बंद कर दिए एंड यहाँ पे सारा मिनिमाइज कर दिए, एंड व्यू क्वेश्चंस, व्यू क्विज क्वेश्चंस पे आइए एंड इसका HTML यूज़ कीजिए। ये देखिए HTML, एंड यही कार्ड यहाँ पे कहीं कार्ड आपने बनाया होगा, ठीक है, तो आप हल्का सा इधर करिए एंड देखिए कार्ड आपने कहाँ बनाया हुआ। ठीक है, नीचे आइए, ये देखिए आपने मैट कार्ड इसी को रिपीट किया, इसी कार्ड के अंदर जहाँ मैट कार्ड कंटेंट है, यहाँ आप मैट कार्ड एक्शन यूज़ करिए एक्शन, एंड इसके अंदर हम दो बटन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे बटन, पहले बटन बनाएंगे जहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट, आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एंड इसी को हम लोग कॉपी कर देंगे अपडेट के लिए। तो पर्टिकुलरली आप इसको अपडेट कर सकते हो। सो आप देखोगे हर एक क्वेश्चन के पास दो बटन बन गए, डिलीट और अपडेट की। एंड यहाँ पर हम लोग कुछ और यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे मैट बटन, बेसिकली हम मटेरियल बटन बनाएंगे यहाँ पे मैट बटन। सो आप देखोगे बढ़िया सी मैट बटन बन जाएगी। आप डिलीट पे रेड यूज़ कर सकते हो कलर, ठीक है, तो यहाँ पे कलर वॉर्न यूज़ कर सकते हो, एंड अपडेट पे कलर प्राइमरी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कलर प्राइमरी यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास दो बटन बन गए, ये एंड ये परफेक्ट है। हम चाहते हैं भैया मैं डिलीट पे क्लिक करूँ और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो एग्जैक्टली हम लोग वही काम करेंगे, हम लोग के पास URL देख लेते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चन को डिलीट करने का। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन कंट्रोलर में, एंड हम लोग के पास देखो क्वेश्चन को ऐड करने का URL है, क्वेश्चन को अपडेट करने का URL है, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आई थिंक गेट करने का URL है, मतलब जितने मैक्सिमम क्वेश्चन अलाउड है उतने गेट करने के URL है, सारे क्वेश्चन गेट करने के URL है, एंड साथ ही साथ में गेट सिंगल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, गेट सिंगल क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी से, एंड क्वेश्चन को हम लोग के पास डिलीट करने का भी ऑप्शन है। हमें पास करना है बेस URL स्लैश क्वेश्चन स्लैश उसकी आईडी, एंड डिलीट डिलीट मेथड की रिक्वेस्ट मारनी है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बना लेते भाई। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सर्विस में चलते हैं, वेयर इज़ क्वेश्चन सर्विस, अगर नहीं मिल रही तो आप कंट्रोल पी दबाइए एंड यहाँ टाइप करिए क्वेश्चन डॉट सर्विस डॉट TS। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन ऐड कर देते हैं, डिलीट क्वेश्चन, डिलीट क्वेश्चन एंड पब्लिक डिलीट डिलीट क्वेश्चन, और हम यहाँ पे क्वेश्चन की आईडी लेते हैं, तो मैं पूरा अपना नाम लिखना चाहूँगा, क्वेश्चन आईडी, दैट्स इट। एंड हम लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट डिलीट मैथड मैं यूज़ करूँगा, एंड URL में बनाना है आपको, सबसे पहले आपको बेस URL चाहिए, तो बेस URL स्लैश क्वेश्चन फिर स्लैश एंड फिर क्वेश्चन की आईडी दैट इज कमिंग इन योर पैरामीटर, दैट्स इट। अब इस फंक्शन को कॉल करना है बस, तो जैसे ही हमारे इस बटन पे क्लिक करें, किस बटन पे, डिलीट बटन पे क्लिक करें, एक फंक्शन में कॉल करूँगा। तो कैसे फंक्शन कॉल करूँगा, सिंपली क्लिक पे, ठीक है, देखिए क्लिक पे, तो मैं यहाँ लिखूँगा क्लिक एंड मैं लिखता हूँ डिलीट क्वेश्चन, और मैं उस क्वेश्चन की आईडी भी दे दूँगा। तो क्यू में क्वेश्चन है एंड आईडी के लिए वेरिएबल क्या यूज़ किया था आप देख सकते हो, बैकएंड से देख सकते हो क्योंकि हम लोग मोस्टली वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की आईडी बेसिकली रखी थी आपके QUSID में, तो हम ये आईडी यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पास कर देंगे, तो होगा क्या, जैसे ही आप डिलीट क्वेश्चन वाला फंक्शन कॉल होगा, वो आप आईडी अपने पैरामीटर में लेके आएगा। तो हम लोग आते हैं TS फाइल में ये चीज़ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हमारा पहला फंक्शन खत्म हुआ, दैट मीन्स NG ऑन इनिट, यही है ना व्यू क्वेश्चन, हाँ, जैसे NG ऑन इनिट खत्म होगा यहाँ पे हम लोग डिलीट करने वाले हैं डिलीट क्वेश्चन। ठीक है, डिलीट क्वेश्चन, डिलीट क्वेश्चन वाला फंक्शन कॉल करने वाले हैं, यही फंक्शन कॉल हो रहा है हमारे बटन डिलीट बटन पे क्लिक करने के लिए। ठीक है, क्लिक करने पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिलीट क्वेश्चन एंड QID ये ले करके आएगा, दैट्स इट। एक बार आप अलर्ट करके देख लीजिए कि भाई आ रहा है QID के नहीं आ रहा है, तो मैंने सेव किया, आप देखोगे डिलीट पर क्लिक करूँगा, देखोगे 23 आया एंड इस पर क्लिक करूँगा, आप देखोगे 62 है। ठीक है, तो परफेक्टली सबको सही हो रहा है। एंड मैं यहाँ पर पूछूँगा आर यू श्योर वॉन्ट टू डिलीट दिस क्वेश्चन, तो सवाल से ही पूछ सकते हैं हम लोग, सॉल्व डॉट फायर, एंड फायर में आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, यहाँ पे
ऑब्जेक्ट में आप यहाँ पे आइकन पास कर सकते हो, सो आइकन गोइंग टू इन्फो, एंड यहाँ पे आप पास कर सकते हो सो कैंसिल बटन, सो कैंसिल बटन पे अप्रूव कर दिए, मुझे कैंसिल बटन दिखानी है, एंड कन्फर्म बटन टेक्स्ट, कन्फर्म बटन टेक्स्ट है, कन्फर्म बटन कलर है, कन्फर्म बटन टेक्स्ट है, मैं कहूँगा डिलीट, मुझे डिलीट दिखाना है, ठीक है डिलीट, तो देखते हैं ज़रा ये देखिए, ठीक है, एंड टाइटल भी क्या लिखना है देख दीजिए, यहाँ पे पास कर दीजिए टाइटल, नो टाइटल, ठीक है लिख देता हूँ, आर यू श्योर वॉन्ट टू डिलीट दिस क्वेश्चन, वॉन्ट टू डिलीट डिलीट दिस क्वेश्चन, ठीक है सेव कर दीजिए, एंड ठीक है आर यू श्योर वॉन्ट टू डिलीट दिस क्वेश्चन, अगर आप डिलीट कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा, एंड कैंसिल कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इस डिलीट पे क्लिक कर रहे हो आपको फंक्शन कॉल करना है, तो आपको यहाँ पे देन यूज़ करना पड़ेगा, देन तो हम देन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो कॉल बैक आप पास करोगे, ठीक है रिजल्ट, ये कॉल बैक कॉल हो जाएगा देखिएगा, ठीक है तो आप यहाँ पे अलर्ट कर देते हो, तो जैसे आप किसी भी बटन पे क्लिक करोगे दोनों में से ये चल जाएगा, देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिलीट पे, देखिए तब भी टेस्टिंग चल रहा है, और अगर मैं कैंसिल करूँगा तब भी टेस्टिंग चल रहा है, बट हम कैसे देखेंगे कि ये कन्फर्म पे चल रहा है, तो आप यहाँ पे इफ़ लगा सकते हो, अगर आपको डिलीट बटन पे क्लिक करना है दैट मीन्स आपने कन्फर्म किया है, तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो रिजल्ट डॉट इज़ कन्फर्म्ड, ठीक है तो ये चीज़ चलेगी जब आप वहाँ पे डिलीट बटन दैट मीन्स कन्फर्म आपने किया होगा, एंड इस केस में मैं यूज़ करूँगा दिस डॉट क्वेश्चन सर्विस डॉट डिलीट क्वेश्चन, एंड मैं यहाँ पास कर दूँगा क्वेश्चन आईडी, एंड देन मैं इसको सब्सक्राइब कर लूँगा, एंड देन फिर से ये आपको सक्सेस दे देगा कि भैया डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड हम फिर से सवाल या सवाल दिखा दो, या आप वो भी दिखा सकते हो क्या नाम है मैट स्नैक बार भी दिखा सकते हो क्वेश्चन डिलीटेड, तो आप यहाँ पे इस बार स्नैक बार में दिखाऊँगा, ठीक है स्नैक बार दिखाऊँगा, स्नैक बार अलग अलग चीज़ें हैं तो आप अलग अलग ट्राई करो भाई, तो यहाँ पर आप ले लीजिए प्राइवेट प्राइवेट स्नैक एंड लिख दीजिए मैट स्नैक बार, मैट स्नैक बार, ठीक है नीचे आ जाइए, यहाँ पे आप यूज़ करिए कन्फर्म हो गया सब्सक्राइब के अंदर, दैट मीन्स यहाँ पे, ठीक है सब्सक्राइब के अंदर जो सक्सेस कॉल बैक था वहाँ पे आप लिखिए दिस डॉट स्नैक डॉट, अच्छा स्नैक हो गया कोई बात नहीं, आप उसको सही के लिए स्पेलिंग सही के लिए कोई इशू नहीं, एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ओपन एंड लिख दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन डिलीटेड, क्वेश्चन डिलीटेड परफेक्टली, एंड ब्लैंक स्ट्रिंग पास करूँगा, एंड हम चाहते हैं कि हमारा जो ड्यूरेशन रहे इसका वो रहे 3000 मिलीसेकंड, मतलब 3 सेकंड तक, ठीक है एंड हम फिल्टर भी कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिलीट किया वो क्वेश्चन आईडी है, तो हम लोग उसको फिल्टर करके हटा भी सकते हैं, तो जैसे ही ये कॉल होगा ओपन वाला ख़त्म यहाँ पे होगा, हम चाहते हैं कि दिस डॉट क्वेश्चंस में से दिस डॉट क्वेश्चंस डॉट फिल्टर हो जाए, फिल्टर फिल्टर, एंड यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो कॉल बैक में आप ट्रू रिटर्न कर दीजिए जिसको फिल्टर करना है, तो मैं कहूँगा आप वही क्वेश्चन निकाल लो, ठीक है अगर क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन आईडी यही शायद था, अगर बराबर है क्यू आईडी से तो आप निकाल लो, अदरवाइज आप फिल्टर आउट मत करिएगा, ठीक है इस क्वेश्चन आईडी को हम एक बार चेक करना चाहेंगे अपने बैकएंड से, तो की यू एस आई डी, ठीक है परफेक्ट है, तो फिल्टर होकर आ जाएगा दैट मीन्स वो क्वेश्चन गायब भी हो जाएगा, ठीक है एंड अगर एरर आ गई कुछ, मान लो ये सब करने पे दुर्घटना भी तो घट सकती है कोई, ठीक है अगर दुर्घटना घट सकती है तो आपको परेशान नहीं होना, आपको यहाँ पर सिंपली एरर एंड दुर्घटना का डट के सामना करना है, एंड यहाँ पे आप दिखा सकते हो स्नैक बार यूज़ कर सकते हो, दिस डॉट स्नैक बार सांप बार यूज़ कर सकते हो, डॉट ओपन कर सकते हो एंड लिख सकते हो यहाँ पे एरर इन डिलीटिंग क्वेश्चन, एरर इन डिलीटिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस एंड ब्लैंक स्ट्रिंग मुझे ये नहीं पास करना है, एंड यहाँ पे आप ड्यूरेशन दिखा सकते हो, ड्यूरेशन दिखा सकते हो 3000 मिलीसेकंड का, ठीक है एंड साथ ही साथ में आप और भी चीज़ें कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, यहाँ पे आप एरर आ गई तो आप लॉक पे मैं कंसोल प्रिंट एरर प्रिंट करूँगा जिससे पता चले हम लोग को क्या एरर आ रही है, एंड अब हम लोग ट्राई टू डिलीट दिस क्वेश्चन, हम लोग ट्राई करेंगे कि भैया जिसका करेक्ट आंसर नहीं वो डिलीट करें, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे जाऊँगा, सो आप देखो क्वेश्चन डिलीट हो गया, एंड इसने क्या किया, इसने तो वही रखा बाकी छोड़ दिया, दैट मीन्स हम लोग की कंडीशन रिवर्स लग गई, ये वाली कंडीशन रिवर्स की, इसने बराबर है तब फिल्टर कर लिया, बट हम लोग को क्या करना है जब बराबर नहीं है उस केस में फिल्टर करना है, ठीक है सो डिलीट तो हुआ होगा वही क्वेश्चन, देख लो डिलीट हो गया एंड
परफेक्टली। अगर मुझे व्हाट इज जावा डिलीट करना है तो मैं इस पर डिलीट करूँगा, देखिएगा व्हाट इज जावा आपका गायब हो गया, एंड वो डेटाबेस से गायब हो रहा तभी यहाँ से जा रही चीज़ याद रखिएगा। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो अगर कोई एरर आएगी तो यहाँ पे एरर दिखा देगा, सपोज आपका सर्वर बंद है, सपोज आपका सर्वर बंद है, एंड सर्वर अगर बंद है उस केस में अगर आपने डिलीट किया तो आप देखना सर्वर पे रिक्वेस्ट गई होगी, बट मतलब ट्राई कर रहा होगा रिक्वेस्ट भेजने के लिए, देखिए एरर इन डिलीटिंग क्वेश्चन एंड आपका फिल्टर आउट नहीं हुआ। आई थिंक समझ गए आप क्या कर रहे हैं, बट अगर सर्वर प्रॉपर, अब देखिए एरर यहाँ पर इसलिए आ गई क्योंकि डेटा लोड नहीं होगा, क्योंकि आपका सर्वर चल नहीं रहा तो इसलिए एरर आ गई। तो हम सर्वर फिर से स्टार्ट करते हैं एंड सर्वर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सो ठीक है, एंड वापस आ जाते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। आप देखोगे परफेक्टली डेटाबेस डेटा लोड हो रहा है, तो सर्वर से हमने सारा उड़ा दिया है, कलेक्शन इसको भी उड़ा देते हैं एंड हम लोग डायरेक्टली यहाँ डालते हैं व्हाट इज सर्वलेट एपीआई, लिख देते हैं जावा टेक फॉर सर्वर, ठीक है, जावा टेक फॉर ब्राउज़र, ठीक है, फॉर मोबाइल, एंड लिख देते हैं एंड यहाँ लिख देते हैं नन ऑफ अबव, एंड हम सेलेक्ट आंसर सही कर लेते हैं फॉर सर्वर एंड ऐड कर देते हैं। एक क्वेश्चन ऐड हो गया, एक और डाल देते हैं व्हाट इज सेशन मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रैकिंग यूज़र, ट्रैकिंग यूज़र हो गया एंड स्टोरिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा एंड स्टोरिंग डेटा हो गया नॉट, या ऐसा लिख देते हैं बोथ, बोथ ए एंड बी नन, करेक्ट आंसर है बोथ एंड ए बी, हम तो दो क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया, आप देख सकते हो सर्वेड में क्विज में जाके सर्वेड में जा करके कहाँ गए भैया सर्वेड, ये रहा सर्वे बेसिक्स, आपके दो क्वेश्चन है व्हाट इज सर्वेड एपीआई, आप देख सकते हो आंसर भी है, इसको डिलीट भी कर सकते हो। सपोज आपका गलती से क्वेश्चन यहाँ आया एंड गलत ऐड हो गया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आ करके एंड अपने क्विज के अंदर आ जाओ, क्वेश्चन के अंदर आ जाओ एंड जो डेट देखिए जो क्वेश्चन गलत हुआ है आप डिलीट पे क्लिक करो एंड सिंपली इसको डिलीट कर दो। सो आई थिंक आप समझ गए, डिलीट भी हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया, तो अब क्वेश्चन को हम लोग पर्टिकुलर क्विज में क्या कर पा रहे हैं ऐड कर पा रहे हैं, सपोज पाइथन में इतने सारे क्वेश्चन हैं, कुछ व्हाट इज़ रेंज टू गलत हो गया तो आप इस वाले क्वेश्चन को आसानी से डिलीट कर सकते हो एंड देख सकते हो कितना स्मूथ कमाल का है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, एंड जब एडमिन पूरा पूरा काम कर लेगा कैटेगरीज क्वेश्चन इन सबको ऐड कर लेगा एंड देन फाइनली ये सिंपली लॉग आउट कर देगा, सिंपली अपना एडमिन काम कर लेगा। सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आएगी कैसे हम लोग क्वेश्चंस को डिलीट करेंगे स्मूथली डायनेमिकली सर्वर से अपने डेटाबेस से एंड उसी समय हम यहाँ से फिल्टर आउट कैसे करेंगे। आपको ये वीडियो समझ में आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हाँ अभी तक वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में नहीं शेयर किया तो उनको भी भाई वीडियो शेयर कर दिए, जिससे कि वो भी प्रोजेक्ट बनाना अच्छे से सीख लें विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक जो आजकल टेक्नोलॉजीज चल रही हैं। हमें मिलता है आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।